सारी सास सुमा इतनी सारी थी, सारी चली गई, पार्टी खत्म हो गई हमारी। कितना बढ़िया ना केक, 500 रुपए का आया इतना। बहुत बढ़िया, दोने बड़े बड़े आए तो कटोरा से। मैं तो था मिर्चा फस गई। देखो अब मतलब रिजल्ट आ गया 80, कितना है 89% आया। जाओ बांट ले मिठाई, तेरे पापा कह रहे सब में मिठाई बटेगी। ओहे दीदी पास हो गई, दीदी पास हो गई। हम पेपरों से पहले वैष्णो देवी गए थे और मैंने वहाँ इवेस्ट करा था कि भगवान में पास हो जाऊँ, चाहे मेरे कितने नंबर आए हैं मैं पास हो गई मम्मी। हाँ तो फिर अब वैष्णो देवी जाएगी तो वैष्णो देवी जाएगी है गुन्नो। आयुष ने वो करा था उसने जब बालाजी दरखास्त लगी थी, पहली बार भगवान जी आपसे कुछ मांग रहा हूँ। हार्ट चेकिंग हुई है। हाँ ये है सच में, मैंने उसके मार्क्स देखे क्योंकि मैंने उसका आकर के मेरा हमेशा रहता है कि भाई मार्क्स बताओ, इसके भी साथ सेम चीज करते हैं, मार्क्स लिख के रखते हैं कितने मार्क्स का करके आयो, मिनिमम मैक्सिमम उसके मार्क्स कम है तो मुझे लग रहा है कि नहीं हार्ड चेकिंग हुई है। इसीलिए मैं सरेंडर ये कह रही थी बदतमीज, थोड़ी मेहनत कर लेती तो टॉपर बन जाती, तो कह रही नहीं हार्ड मार्किंग, मार्क्स मार्किंग भी हार्ड हुई हो और जो सेट है ना पेपर सेट और सेट 3 सबसे है। सभी की विशेष आ रही है, गॉड ब्लेस यू बेटा, यू आर माय एंजल एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। ओहो इंटेलिजेंट चाइल्ड है लड़की। अरे भाई ये देखो ये भी लिखा है उन्होंने, कांग्रेचुलेशंस बेटा, समवेयर इन माय हार्ट, ओह माय गॉड, आई न्यू दैट यू वुड मेक एवरीवन प्राउड एंड यू डिड दैट टुडे, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स अ न्यू बिगनिंग येट टू एक्सप्लोर मोर एंड टू अचीव मोर, आई एम सुपर हैप्पी यार, थैंक यू नीति आंटी। ये देखो मिठाई आ गई है बांटने के लिए, स्नेहा का रिजल्ट आया तो डोसा भी आया खाने का। डोसा ये है मलाई चाप। लो भैया इतनी मिठाई मतलब अच्छा ऐसे लाए हो, अरे वाह ये सही काम किया। ये स्नेहा का स्कूल के, स्कूल के लिए ये वाला। अच्छा और ये हमारा, ये पैक करा के लाए जिससे कि हमें ऐसे निकाल निकाल के ना देने पड़े, तो ये बहुत सारे बॉक्सेस है निकाल के तो दिखा दो। और ये काजू कतली क्योंकि ये स्कूल की है और खुशी बहुत ज्यादा थी तो इसीलिए मतलब वही था। ये कह रहे कि पहले तो बात चल रही थी कि नहीं बांटेंगे, फिर कह रहे अरे जब हम पास होते थे तो लड्डू बांटा करते थे, तब कुछ चेंज होना चाहिए ना, इसलिए काजू कतली बांटेंगे। तो लड्डू गोपाल को तो हमने भोग लगा दिया है और अभी उसके बाद अभी महाराज जी को भोग लगाने जा रही है हमारे जल्दी से भोग लगा देते और गुन्नू को भी देती हूँ मिठाई। भाई आ गई हमारे घर में मिठाई, कह रही मिठाई भोग लगा दे उसमें, मैं प्लेट में रख देती, इनकी प्लेट में रख दे, हाँ पानी में ला दूंगी। चल चलो जी श्याम बाबा की जय। अरे वाह गुन्नू को ही कराया मुंह मीठा गुन्नू, ना पहले तू खा मैं तो खाऊंगी और क्या भैया, तू पढ़ा रही है हमारे बच्चों को इतना ही बहुत है, चल आ जा। चलो जी आ जाओ, अब यहाँ पे ना आज शाम को कुछ नहीं बनेगा तो डोसा पार्टी चलेगी और चाप लेके आए, चपाती में बना लो, चपाती भी है क्या, अरे वाह चपाती भी नहीं बनानी पड़ेगी। बस सारे बॉक्सेस रख दिए गए हैं कि भाई चलो अब हमें वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी सबको देके आने में, तो इसने पास हो गई तो ले लो इसने पास हुई है तो क्या होगा, घर गई तो यहाँ भी खाओ अब बैठ कर आराम से। हैप्पी मदर डे, आज था मदर डे तो हमारी मम्मियों ने दी हमें दावत और दावत दे के शांत बैठी हैं सारी मम्मियां सदमे में कि अब काम कौन करेगा। मम्मी किचन में चले मम्मी मदर डे पे जो है ना बहुएं आराम करती है। सही बात है भाई, सारी मम्मियों को हैप्पी मदर डे है, मम्मी हैप्पी मदर डे, थैंक यू, आप बोलेंगे धन्यवाद है पढ़ा रहे,
मदर्स डे, आज क्या क्या मिला आपको भाभी? पूरी, हलवा, सब्जी, हलवा, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी। अरे आज दावत करिए, हम सब चीज है, सब चीज, पूरी पार्टी चली है, अकेले खा लिए। सही बात है भाई, इससे काम ना चला, पिज्जा पार्टी चाहिए मम्मी। पिज्जा भी आ जाएगा तो ऑर्डर करो, कौन करेगा ऑर्डर? है खाने वाली, बनाओ भी आएगा। पक्का खाओगी? 100% खाना पड़ेगा। है मम्मी केक मंगा ले, हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेशन करके जाएंगे आज, मंगाओ भैया से। देखे कैसे चुप चुप बोल ली, भाभी फोन करो, भैया को फोन करो, केक आएगा। ले भाई पूरा फोन कर, केक आएगा, जल्दी निकाला जाए। नीचे गाड़ी में वेट करते हैं, मेरा भैया कह रही केक मंगाओ, मंगा ले केक। डिमांड देख लो भाई, आज पिन्नी खाई ना, आज पिन्नी खाई है, हलवा मंगाओ, हलवा कर जाए, क्या कह रही है, आज पिन्नी खाई है, ऐसा कुछ काम नहीं है। देखो हमें सिखा रही हैं, ससुर जी के पैर छू के आओ और केक को क्या कहो, केक को क्या कहो, चल के चल ले। हैं केक को तो बोल दिया मैंने, फिर और क्या, गिफ्ट के लिए, गिफ्ट के लिए। अब मैं कुछ लहंगा पहनने ले आऊंगी, चलो चल ले, ऑर्डर करेंगे हमारे जल्दी से। सारे बेटों से डिमांड है, एक बेटा ला रहा है केक, एक बेटा लाएगा पिज्जा। है बात है, सही बात है। फोटोग्राफी हो रही है, डरते हुए क्या चक्कर है, ये लुकेंगे पूरी हलवा का चैन ना पड़े। देख लो क्या कर रहा है, एक कंगा भी ना निकला, जैसे दो है खाई, खोल ले जा, देख लो फिर कोई मुझे नहीं ना कहने का, जो ये तो आ रही है। अरे इधर आ जाओ, ग्रुप से अलग बैठे हो सारी, चलो उधर मदर्स डे के लिए केक आ रहा, चलो आ जाओ, चलो तुम्हारी डिमांडों पर ब्लॉग बनाया जा रहा, आ जाओ, मदर डे बनाया जा रहा है, केक आ रहा है, केक काट के जाएंगे आज मदर डे सेलिब्रेट करके, चलो केक काट। देखो क्या मम्मी क्या कर रही हो, देखियो देखो, बोलो क्या कह रही हो मम्मी, क्या कह रही हो, आज हम संस्कारी बहुए बने हुए हैं सब, ये देखो और हमारी मम्मियां, हमने मॉडर्न बना दी है, मदर्स डे मॉडर्न तो हम है ही ना, तुमने मॉडर्न हमने तो बनाया, सही कह रही हो गई, बहू हमें देख के हुई है, मदर्स डे तो याद ही रहेगा, पूरी हलवा खा के किसे याद नहीं रहेगा, यूँ बताओ। अरे बहुओं को मिलेगा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू, लो जी 200 रुपए मिले हैं बहुओं को, चलो मदर्स डे पे हमें मिला है 200 रुपए का गिफ्ट। ओए कितना पेट हम करेगी, तू चलो भाई, यहाँ फोटोग्राफी हो रही है, ये तो
तो यहाँ पे अभी आने वाला केक तो फिर करेंगे। होलू सी दीदी तो पूरियां सर्व करते हुए भाई पूरी कोई भी नहीं खाए, अब सबके पेट भर गए। तो नायरा अभी हम सो रहे हैं। क्या कर रही हो? पार्क में जाने को कह रही है। पार्क में जाना? इसे देखो ये छोटा बच्चा। हेलो यू आर माय फेलो। अच्छी तू कौन है फिर बता जल्दी कौन है? यू आर फेलो तेरा येलो तेरा तेरा ये येलो तेरा 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 तो ब्लैक है, बदतमीज है। ये शुभारंभ तेरी दावत तो बड़ी महंगी पड़ी। क्यों? लो देखो मम्मियों का नाम नहीं लिखवाया तो मम्मी नाराज हो जाती इतनी सारी। माँ लिखवाना। हाँ सॉस से बना दो पूजा। चक्कू से लिखेंगे ले माँ माँ को काट कर सासू माँ नहीं भाई सासू माँ लिखती पूजा। चलो आओ सास बहुत बढ़िया हमारी ना खर्चे की क्या बात है। सही बात है करोड़ों में सही बात है करा नहीं है। सासू है ही बढ़िया हमारी सारी ये मॉडर्न सास हमारी सारी सास सुमा इतनी सारी थी सारी चली गई। पार्टी खत्म हो गई हमारी बेचारी इंतजार करके चली गई। मैं तो कैब आ गई मम्मी कोई ना हम हमें ज्यादा केक मिलेगा चढ़ाने जाओ तो दूध दूध दान के मिली था सारा की मैंने खाऊं तो सारा बाटी आता ही सही बात है। ओ माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है। ओ चलो भाई तो पूरा केक खिलाए जा रहे हैं। देखो सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ छोटा सा मदर्स डे का। ये चलो अच्छी बात माँ का तो हर दिन है पर आज कुछ स्पेशल था। पिन्नी तो खा लिया केक खा रहे। चलो भाई खिलाओ 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 मम्मी फोटो ले ले आगे घूम जा। पिंकी भाभी इधर से दे दियो फोटो फोटो इससे खींचाएगा ना जो साइड में ही बैठ सा ना उससे खींचे नॉर्मल जाके तो तन मन सा लगाया तो दे रोने बड़े बड़े ये तो कटोरा से जी जी आप भी लो बड़ी फैमिली मां समान होती है। हां बढ़िया सही है मैं भी तो खाऊंगी भाभी को सही बात है। चलो हाँ हाँ सबके खिंच गए। चलो हैप्पी मदर डे थैंक यू।
उसे मैंने पापा ने मम्मी को थैंक यू सिखाया तो हर जगह यूज कर रही है मम्मी थैंक यू लंबी आवाज में यूज कर रही है मम्मी है मम्मी इतरा के लो कुछ बल खा के कुछ इतरा के कुछ बल खा के चलती है पल में शोला पल में शोला कितने रंग में बदलती है ऐसा है मम्मी यूं कह रही है अभी से मुंह को कौन साफ करेगा अब जाओ मम्मी आराम करो अब आप कोई जरूरत नहीं पापा साफ करने का और पापा को यूं इतना दिया केक हमने और क्या अरे दर्शिका तो झूला झूल रहा है ओ सही है झूल ले यूं कह रही है आप शॉपिंग करने जा रहे हैं केक काट के सब देखो नहीं यूं कह रही है जूड़ी जूड़े वाला कहेगा कहां से आई हो लुटपिट के देखो फूल कितने अच्छे यहां खिंचवाना चाहिए हां फोटो कितना अच्छा आ रहा हां कितना बढ़िया आ रहा है आ जाओ बॉयज यहां पे आ जाओ कसम दे दे हां मैं आ हम खींच देंगे ना चलो हैप्पी मदर डे अभी तो घर जाके केक काटना मुझे स्नेहा ने भी केक मंगा लिया सो कोई भी प्लान नहीं था मदर्स डे सेलिब्रेशन का लेकिन कहते हैं ना कि अपने आप से प्लान बन जाते हैं तो हम आए थे पिन्नी के लिए तो पिन्नी थी हलवा पूरी की तो हलवा खिलाया गया था उसके बाद पूरी खिलाई गई थी और कहते ना पिन्नी में बोलते नहीं है तो इस वजह से मैंने वीडियो भी शूट नहीं की थी और कुछ मुझे यही था कि मतलब जैसे बोल देते हैं तो मैं बना देती हूँ व्लॉग वरना यही लगता है जैसे किसी किसी को पसंद नहीं होता ना व्लॉग में आना तो शूट कर दो तो उसके बाद बोलते कि हमारा क्यों बनाया तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा सा अब यही सोचने लगी हूँ कि अगर कोई बोल दे तो मैं बना दूंगी वरना तो नहीं तो बाद में सभी कहने लगे अरे बना दे कोई बात नहीं अच्छा लगता है देख लेते हैं सब हंसी मजाक करते हैं बाकी होता तो क्या ही है तो इसीलिए थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया बाद में मदर्स डे सेलिब्रेशन का उससे पहले सभी ने पिन्नी खाई बहुत सारी लेडीज थी और बहुत अच्छा लगा सभी से हंसी मजाक ये सब किया गया तो अभी आ गए हैं हम और स्नेहा की कॉल आ गई है कि मम्मी मैंने घर पर भी केक मतलब मंगा लिया है आपके लिए मदर्स डे और उसने तो मुझे रात को ही सरप्राइज कर दिया था रात के 12 बजे मेरे को मैसेज कर रही है मम्मी रूम में आओ सो गई क्या मैंने कहा क्या हुआ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ये कुछ प्लान कर रही है तो इसने मेरे लिए ना एक वो बनाया था चॉकलेट का बुके मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसी वाली क्लिप में मतलब ऐड कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा मैंने ना शॉर्ट के तौर पर वो कैप्चर कर ली थी तो मैं दिखा देती हूँ आपको और यहाँ हम ले रहे हैं कुछ पौधे क्योंकि हमारे घर में मतलब वही है ना पौधे मतलब आपको बताए लगाने का शौक भी है तो ये नर्सरी आ गई थी तो बोल रहे तू बैठ जा मैं लेकर आता हूँ ये देखो लेने गए हुए हैं तो कह रहे हैं कि तू जाएगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट कर देगी तो मैं अपनी पसंद से ले आता हूँ देखो अभी दिखाती हूँ लेकर आ रहे हैं इधर से जा रहे होंगे दिख रहे होंगे हाँ मिल गए फाइनली मिल गए तो अभी ये ले आएंगे और फिर घर जाके पौधे लगा देंगे हम और स्नेहा प्लान कर रही है घर पे वहां जाके भी केक कट करेंगे इसी व्लॉग में ऐड कर दूंगी गाइस तो यहाँ पर पेड़ ले हाँ जी रख दीजिए और थोड़ा सा ना मैं सोच रही हूँ हमारे घर में ना पर्दे आपको बताया ये कि रेनोवेशन चली है तो मेरे रूम के जो कर्टन थे वो स्नेहा के रूम में लगा दिए गए मेरे रूम में नहीं है अभी तो हम गए भी थे मॉल गए थे लेकिन मॉल में मिले ही नहीं तो इस वजह से अभी हम अपने पर मतलब अपने रूम के लिए पर्दे लेने जा रहे हैं तो कैसे लूंगी वो दिखाऊंगी आपको ठीक है तो व्लॉग पर बने रहिएगा लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा गाइस और ये देखो ये वाली चूड़ियां मैं लेकर आई थी खाटू शाम से तो इस टाइप की बैंगल वहाँ बहुत मिलती है 100 रुपीज की तो काफी ब्यूटीफुल सी थी मैंने ले ली थी चलिए जी चलते हैं कहाँ जा रहे हैं सेक्टर 23 तो अभी आ गई हूँ मैं टेलर की शॉप पर तो ये वाला ब्लाउज स्टिच कराने के लिए देने आई हूँ तो मेरी ये वाली साड़ी है तो सोच रही हूँ अभी एक ही ब्लाउज स्टिच करा लूँ अगर अब फिटिंग अच्छी आएगी तो अभी दूसरे भी सिला लूँगी कोई फंक्शन आ गया तो इस वजह से मैं करा लेती हूँ रेडी कलश यात्रा निकल रही है देखो राधे कृष्णा बने हुए बैठे हैं जय जय सो
सो गाइस जैसा कि मैं बोल रही थी मुझे लेने हैं पर्दे, तो पर्दे की शॉप थी बंद, तो अभी यहाँ पर साड़ियाँ आप देख रहे होंगे। यहाँ से मैंने पहले भी शॉपिंग करी, तो मैं सोच रही हूँ एक तो कॉटन की साड़ी देख लेते हैं, अच्छी लगी तो ले लेंगे। ये सिल्क कॉटन होंगी ना मेरे में, थोड़ी प्योर कॉटन है। ये सारे सीखे कलर है। तो एक ये वाली पिंक अच्छी लग रही है और अभी दूसरी ट्राई करते हैं। पहले पहनी है मैंने ऐसी साड़ी, बहुत अच्छी लगी थी वो भी। दोनों ही पिंक है पर ये वो ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। तो ये नेट की साड़ी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इस तरह का लांचा भी है ना मेरे पास सेम, अभी देखते हैं ऐसे निकलवा कर। इसकी क्या रेंज होगी भैया? ये थोड़ा पार्टी वेयर हो जाता है। हाँ। पल्ला रिच पल्ला आ गया ना। हाँ। इसका ब्लाउज तो ऐसा ही है जैसा अभी सिल्क का लिया था मैंने। हाँ, ब्लाउज भी रिच आ जाएगा। ये ब्लाउज है इसका। ये अंदर से सारी ऐसी ही है क्या? हाँ ये। अच्छा। हाँ देखने में तो अच्छी लग रही है हट से। अच्छा पटोला प्रिंट बोलते हैं उसको। हर रेंज का एक एक डिब्बा देख रहे, हर रेंज का वो कॉटन वाली भी आती है। अच्छी लग रही है साड़ी, ग्रे कलर में है पूरी साड़ी, रेंज वाइज अच्छी है। मतलब इस पर मतलब डिस्काउंट है पूरी इतने की, रेट सेम है। साड़ी अच्छी है, हैंडलूम बोलते हैं। हाँ ये हैंडलूम। ये पर्दे कहाँ मिलेंगे कुछ पता है? हाँ पाटली पल्लू के साथ पर्दा आपको दुष्यंत हैंडलूम है, ये मिलन वाला है। डोला सिल्क, डोला सिल्क। बढ़िया लग रही है। ये शायद ग्रे है। ये तो रहने दो, ग्रे है तो रहने दो। ये देखते एक ये वाली दिखाना आप, ये वाली क्वालिटी। इसमें ग्रीन आ रहा है और इसमें शायद पिंक और यही है शायद। ये तो कंट्रास्ट चेंज है। अच्छा ये कितने की है? 890। रेंज वाइज तो अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। हाँ। ये मतलब जजमेंट नहीं है आप। हाँ। ये समझिए कि आप पहन कर 2000 की भी कोई समझेगा और 4000। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ। रेंज वाइज अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसको सोचने की जरूरत है, ये आप मेरी गारंटी पे भी ले लो। कितने की बता रहे? लीलन। हाँ कलर में ये कॉटन जैसा ही लगता है ना? कॉटन है ही, कॉटन मिलन है, कॉटन की सबसे फाइन क्वालिटी है। अच्छा ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, एकदम सॉफ्ट सी है गर्मी के हिसाब से भी और वैसे भी है ना। प्रिंट भी अलग है, शिवोरी प्रिंट कहलाता है।
कितने की है ये? 1150। सही है, चलो ये भी करो। ये अच्छी लगी मुझे, रेंज वाइज सारी अच्छी है साड़ी। ये शिफॉन हल्का कपड़ा है थोड़ा, है ना? ये भी आप कहीं आने जाने में ना, वैसे फंक्शन में तो नहीं, जैसे कहीं और आना जाना हो, पहन सकते हैं। साड़ी अच्छी है, डिजिटल प्रिंट है सारा, ये वैसी प्रिंट है, सारे डिजिटल कलर है। ये दिखाना, ये वाला कलर। कलर वाइज भी अच्छी है, लाइट वेटेड है एकदम साड़ी, बहुत सुंदर लग रही है। ये नया कपड़ा आया, वैसे भी नया। तो मदर डे पे तो मेरी शॉपिंग होगी भैया आज। ये देखो मौके की बात है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज कोई प्लान नहीं था, प्लान बेपेल प्लान के पार्टी हो गई आज हमारी। कोई शॉपिंग का दिन तो निश्चित रहा ही नहीं, पहले जमाने में हुआ करता था। हाँ। दिवाली आएगी तो सबके कपड़े आएंगे। सही बात है, अब तो सब समय खत्म हो गया। हाँ ये तो, ये अच्छी लग रही है। ये कितने की है आपने बताया? ये अच्छी लग रही है, ये सब ग्रे कलर है ना? ये तो सेम ही है, ये तो सेम सा ही है ना, सेम बस कलर वाइज अलग है। इसके वाले, हाँ दिखाना इसके कलर। अच्छा ये इसके है ना? बस ये तो रहने दो, वही अच्छा लगा मुझे, कुछ ना अलग हट से की साड़ी अच्छी लगती है। 1100 की रेंज में है, बहुत हाँ। देखो ये साड़ी ना देखने में, वैसे जब बॉक्स में थी तो नहीं अच्छी लग रही थी, वैसे बहुत अच्छी लग रही है, कलर प्रिंट बहुत अच्छा है। लाइट वेटेड साड़ी है, एकदम यूनिक सी लग रही है, हल्का प्रिंट है। और भैया ने इतना सारा दिखा दिया, मैं तो एक लेना आई थी कॉटन की, और यहाँ तो टिक लगी। हाँ इसलिए मिल गए, कई बार ऐसा भी होगा कि आप चार लेने का मन चाहोगे और एक भी पसंद नहीं आया। ये तो है, जब आते हैं ना तब नहीं आती पसंद। अभी ये वाली साड़ी भी मुझे अच्छी लग रही है, रेड कलर की भी है, जैसे पूजा वगैरह में भी आ जाती है काम। चलो ये भी दो, चलो कपड़ा। कपड़ा तो बहुत अच्छा है इसका, लेकिन ये ज्यादा प्रिंट सा है नहीं, कभी इसकी वजह से पता नहीं। अच्छा 1000 की रेंज में है ये, 1060। नेट की साड़ी तो इन्हें लेनी ही नहीं है, पसंद ही नहीं आई। पर इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट दिया हुआ है साड़ी में, और वैसे पार्टी वेयर और रेंज वाइज तो सच में बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, इतनी रेंज में मिलती नहीं है इजीली। हाँ 1000 की रेंज में ही है ये, बहुत अच्छी है। नहीं अभी आया ना शायद ये कपड़ा, चलो देखते हैं इसको भी। ऐसी तो मांग रही थी मैं आपसे जब से, मैंने कहा वो मुझे ब्लाउज थोड़ा अलग और ब्लाउज अलग है, कपड़ा भी दिखाना मस्टर्ड कलर, क्योंकि पिंक। हाँ देखो यही, मैं यही कंट्रास्ट मांगा था आपसे मैंने, मेरे का ग्रीन हो कुछ करके, दोनों में ही ग्रीन आएंगे कलर। हाँ ये प्यारा आप चाहिए ले लो, चाहे ये प्यारा दोनों ही कलर में कंट्रास्ट। ये इसका कलर है, उसमें ग्रीन आएगा ना, दोनों में ग्रीन। ब्लाउज देखा बेटा, इसमें भी यही आ रहा है, उसमें भी वही आ रहा है, ब्लाउज दोनों में सेम है, बस उसका अंतर है इस वाले कलर का अंतर है। जो मैंने साड़ियाँ ली हैं वो वाली, उसमें पिंक ली है क्या कोई? देखना वो ली है शायद कॉटन वाली, वो सबसे नीचे पिंक नहीं है वो, फिर है शायद। तो ये येल्लो कलर की साड़ी है ये, इसमें ग्रीन कंट्रास्ट दिया हुआ है, तो इस टाइप की ना बहुत सारी पहले भी देखी थी मैंने, पर लेकिन वो लाइट थी। ये पिंक है, ये और भी ज्यादा गजब लग रहा है, ये थोड़ी हैवी लुक आ गई ना एकदम। साड़ी तो संभाल ही नहीं जाती, इसलिए बहुत होती है ऑर्गेंजा।
हापुड़ से ली थी ना, संभाली नहीं जाती, वैसे तो सही लगती है। दुपट्टा इसका ही इसकी सलवार कैसी है? सलवार तो आराम से बन जाएगी, सलवार का कपड़ा ये सलवार है पटियाला वाला ही कपड़ा है ना, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई आपको देखो कपड़ा देखो इसका पटियाला वाला ही है, जो पटियाला सलवार के लिए लचकदार कपड़ा चाहिए होता है ना वही कपड़ा है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी एक पटियाला सूट बनवाऊंगी और वो मिल ही नहीं पा रहा था, तो अभी मिल गए हैं इनके यहाँ और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, 3 मीटर की सलवार है इन वाले सूटों की, तो ये ले लिए हैं। काफ़ी सारे प्रिंट हैं इनके पास, तो बड़ी मुश्किल से मिला, मैंने बहुत जगह ट्राई किया था नहीं मिलता था कहीं भी, क्योंकि तो इतनी हैवी सलवार नहीं आ पाती है किसी में, और 1000 की रेंज में है ना ये भैया? चलो जी, अच्छा 800 सही है, 800 की रेंज में बढ़िया। तो भैया से सुन के हैरान होगी, मैं तो 8 साड़ी एक सूट ले लिया मैंने भाई। हाँ जी, चीज का पसंद आने को बर्बाद हो जाता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है जब आदमी लेने आता है ना, एक भी पसंद कराने का नहीं होती। बहुत ही बिहारी साड़ी हाउस, यहाँ से करते हैं हम शॉपिंग और बहुत सारी साड़ियाँ ले ली हैं आज हमने, तो मदर्स डे बन गया हमारा। वैसे तो भैया कह रहे हैं शॉपिंग का कोई डे नहीं होता, लेकिन आज तो है ही स्पेशल डे। अब तो घर जाके दिखाऊंगी, सब कहेंगे अरे ये इतनी सारी साड़ियाँ कैसे ले आई, पहनती तो है नहीं। माय गॉड, इतनी सारी साड़ियों की कर ली है मैंने शॉपिंग, और अब मैं साड़ियाँ पहना करूँगी बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई। तो गाइस मज़ा आ गया, देखो भाई हमें तो बहुत सारे सरप्राइजेस मिल गए आज, कुछ भी प्लान नहीं था, लेने के आए थे ले क्या लिया, साड़ियों की इतनी सारी ढेर सारी शॉपिंग जब आ जाएंगी जब दिखाऊंगी कौन कौन सी साड़ियाँ ली हैं। हेलो गाइस, आ गए घर और बच्चों के लिए लाए हैं मदर्स डे पर खाना, बाहर से आपके लिए भी हम कुछ लाए हैं। मत कर, ओए मेरे कान का टोप्स के ले पकड़, मम्मी से ले लड्डू गोपाल के लिए कान भी लाए हैं। क्या करे मैं केक काट कर रही हूँ तेरे से, मैंने मैसेज में मना करा था। हमारे लिए क्या, हमारे लिए तुम्हारे लिए केक थोड़ा ना लाए, हम खाना लाए बाहर से आज। अरे बदतमीज है तू, तू पागल है, शॉपिंग करके लाए हैं तेरी मदर्स डे पर इतनी सारी शॉपिंग। नहीं मैं अपने लिए लाई हूँ, तेरे लिए लाई हूँ, सूट खरीद के लाई हूँ, एक पटियाला सूट सिलवाऊंगी देख लो किसके लिए, अपने लिए मैं सिलवाऊंगी पटियाला सूट मदर्स डे पे, मेरे को इतने सारे गिफ्ट दिए हुए हैं। अभी पूजा वालन की देखी आपने वीडियो, क्या बोल रही थी वो, वहाँ सुनाई नहीं आ रही थी, रुको मैं दिखाऊं। अरे लेके आ चल, पता नहीं क्या है वहाँ, मैसेज पे मैसेज भेजे जा रहे हो तुम पागलों की तरह, ले देख ले कितने सारी साड़ियाँ दिलवा दी पापा ने, देख ये इतनी सारी साड़ी लेके आई हो और क्या, शॉपिंग की शॉपिंग देखो। हाय रश्मि, ये बुलवाया ना तुमने, हाय रश्मि देख देख इनकी हरकतें दोनों की, वहाँ भेज रहे हैं मुझे। रश्मि जी, विश यू अ हैप्पी मदर्स डे। हाय रश्मि जी, पहचाना मुझे? अरे वही बरगद वाली, उलोलिता सुलोचना मंजुलिका वही मैं, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। झूठ बिल्कुल, ये मेरी बड़ी फैन है। अरे फेस है ये वाली वीडियो इन्होंने मुझे वहाँ भेजी थी जब मैं वहाँ पर मदर डे सेलिब्रेशन हो रहा था, मम्मी तुम्हारे लिए वीडियो भेजी है। मैं वाली जावा, बस आपके बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, अब जितना आपका ख्याल रखती है ना अम्मा भी रखती है ना, प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो देखिए इतने सारे गिफ्ट बन चुके हैं मदर्स डे पर, इन्होंने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया होगा, हमने बर्गर खाए थे तो इन्होंने बर्गर खाए थे मेरे पीछे जब मैं गई थी। हाँ, तो वहाँ से मतलब इन्होंने ये पता नहीं क्या क्लिप्स ये ऐड करी थी, और यहाँ पर शॉपिंग भी होगी मदर डे तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो गया। साड़ियाँ हैं अभी अभी तो सरप्राइज बाकी है, वो सरप्राइज नहीं, चलो कपड़े चेंज कर दे, जल्दी देख ले कैसी लग रही है सारी साड़ी, सही बताओ। चल
इतने सारी शॉपिंग हो चुकी है मेरी, देखो गाइस अब कोई साड़ी होगी भी कमी नहीं रहेगी मेरे पे, नई नई पहना करूंगी मैं, पुरानी साड़ी रिटायर क्योंकि बहुत हो गया, अब पुराना माल खत्म करेंगे नया शुरू करेंगे। और मेरा सूट भी आ गया है, अब ये सूट सिलवाऊंगी मैं। सिलवानी है? नहीं सिलवाना पड़ेगा। ये कमरे में जाओ 2 मिनट के लिए बस। क्या है कमरे में देखूं? कहाँ है तो तुमने फैला के रख रखे कपड़े तय बनाने का। ये कमरे में जाओ, क्या है? पर्दे नहीं मिले? पर्दे नहीं मिले कर रहे हैं ये, मैं आके चेंज करने आ गई हूँ तो कह रहे हैं जाओ रूम में जाओ। मैंने कहा पता नहीं कुछ कर रखा है इन्होंने, मैंने मना कर दिया था। इसने बोला था कि केक मंगा लूँ क्या, कि नहीं केक मत मंगाना। रात इसने इतनी सारी मुझे चॉकलेट गिफ्ट में दे दी थी, सुबह जब मैं जा रही थी चॉकलेट का बुके दे दिया था, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है क्लिप में। अब पता नहीं क्या करने में लगी है, तो फटाफट से मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ। मुझे यहाँ बंद करके, तुम कर क्या रहे हो? कहाँ है ये? देखियो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, कर क्या रहे हो तुम दोनों? वो तो ने देख लो बदतमीज क्या करे जा रहे हैं दोनों के दोनों। क्या है ऐसा, क्या कर दिया तुमने? ये देख भैया सुंदर केक है, वो देख केक तो देखो मम्मी सारा कंट्रीब्यूशन मेरा है। ओ ये देखियो ये कहाँ से मंगा लिया, बहुत दूर से मंगाया, एक घंटे से पागल 30 मिनट का। ये देखो इनकी हरकतें, हैप्पी मदर डे पे इन्होंने डेकोरेट भी कर दिया। मेरे वाला बोला था स्लो स्लो लाए हैं, क्यों कहाँ से ऑर्डर कर दिया ये? देखना अब मैं कैंट्री भी चली, शक्ल भी अच्छी नहीं हो रही मेरी। हाँ ये देखो हो जा रहे थे, जल्दी काट लो, जल्दी तो काट। देखो जैसी मैं आई हूँ तर्शदर्शी का भी मुझे चॉकलेट दे रहा है। थैंक यू मेरे बच्चों, आई लव यू। आओ चलो यहाँ आ जाओ, केक काटेंगे सब, आओ हैप्पी मदर्स डे मनाएंगे। इधर आएगा तू, इधर आ। देखो ये मुझे चेंज भी नहीं करने दे रहा, कह रहा पहले केक काटो। मैं सोच रही हूँ किसने आने की अच्छी डेकोरेशन करी है तो मैं चेंज कर लूँ। दर्श देखो कह रहा है ये वाली चॉकलेट नहीं, ये वाली खाऊंगा जिसके हाथ में। यहाँ पे दोबारा से कैंडल लगाई गई है क्योंकि वो खत्म हो गई थी बोरी, तो अभी कह रही है केक कट करेंगे। चॉकलेट खिला रहा है ये इसके चक्कर में, मुझे इसने खुद हाथ से के चक्कर में कुछ भी अभी चली थी इसमें। जा आग लगाएगी घर में, देखो उसके काम। मदर्स डे पे आग लगा दूँ? खैर मदर्स डे पे घर में आग लगा दी मदरी। हाँ मम्मी पढ़ा कर उसे फोड़ेंगे। हैप्पी मदर्स डे, क्यों नहीं अब हम फोड़ेंगे लव, लव फोम बम भी फोड़ेंगे, सब कुछ हाँ। करेंगे लव। चलो रात को हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। चलो भाई मदर्स डे सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों, आ जाओ स्नेहिल, चलो। अरे उधर करना मेरी तरफ, इसने तो खोल दिया है। अरे इंदा भाई तरफ को रख दे, टूट कैसे गया ये? टूट रहा है। चलो भाई केक काट लो फिर, अब उसमें नहीं बनेगी वीडियो शॉर्ट में जो बना रहे थे। देखो जरा मुझे फोटो ऐसे खींच दूंगा मैं, देखो मुझे। हैप्पी मदर्स डे टू मी। सबसे पहले स्नेह को खिला दूंगी, झूठा नहीं खाता भैया, लड़का मेरा। चलो जी थैंक यू सो मच। माँ होने के फायदे, ले पकड़ जल्दी बच्चों को खिलाऊंगी मैं। थैंक यू बेबी, खा ले आओ देश कर लो। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे तो ऐसे ही बनता है। थैंक यू बस। थैंक यू सही।
पुट्टी नहीं लगानी मेरे पेस्टी है पुट्टी बनाती है चॉकलेट केक खा के मजा आ गया बच्चों ने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन ये क्या कर रहा है तू प्लान कर दिया मुझे पता ही नहीं था ना केक भी मंगा लिया जबकि मैंने सो मना करा था मैं सिर्फ मैंने मना करा था पर ये मानी नहीं सो गाइस इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अपनों का ख्याल रखिएगा बाय बाय गाइस टेक केयर हैप्पी बर्थडे बोलो जैसा कि आज है मदर डे तो हम अपने कान्हा जी के लिए भी चॉकलेट्स दे देते हैं राधे राधे जय जय श्री राधे 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 जय हो राधे जय हो राधे राधे तो कान्हा जी के लिए आए हैं मदर्स डे पर रसगुल्ले और केक मैंने रख दिया है ये इनका पानी आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा आओ भोग लगाओ मेरी राधा रानी हैप्पी मदर डे कान्हा जी राधे राधे जय जय श्री राधे एक आपके लिए एक आपके लिए थैंक यू ओरियो बिस्किट भी है खाने आपको ले लो मुझे वाली चाहिए ये लो ओरियो बिस्किट अरे 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 ये सो का बेबी है ना ये सब कुछ खा जाता है अरे जब तूने मुझे वीडियो भेजी थी ना मैं वहाँ पिन्नी में थी ठीक है ना और ये कह रहा बहुत जान पहचान है मेरी और हीरोइनों से बनवा देता मेरी हाँ बहुत लंबी चौड़ी जान पहचान है तेरी सारा कुछ आज ही खिला दो मुझे मोटी कर दो इसने यहाँ कह रही है फ्रेंच फ्राइज खाओगे ये मुझे कुछ ना खाना है अब ये फ्रेंच फ्राइज कहाँ से आ गए मैंने सब कुछ ही मंगा लिया इसने कह रहा तुम्हारे लिए इयर रिंग ऑर्डर कर रहे थे हम इयर रिंग ऑर्डर कर रहे थे मेरे लिए अच्छे हैं पर वो उसकी डिलीवरी बहुत लेट आ गई बर्गर किंग से बर्गर मंगाए थे ये देखो फ्रेंच फ्राइज मैंने खाए नहीं पटेल नहीं होने दोगे ये मेरे हैं मैंने खाए नहीं मैंने भूख ही नहीं थी इसलिए मुझे लिए बर्गर खाया मैंने ये भी छोड़ दिया हम भी लाए हैं तुम्हारे लिए खाना इसलिए तो नहीं खाया मैंने शाम को मैं कुछ बनाऊंगी नहीं देखो मैं जब भी मदर्स डे होता है स्नेहा खाना बनाती है मैंने सुबह 2 साल से स्नेहा खाना बनाती है पूरे घर का मदर्स डे पर कल बनाया था इसने दाल चावल इसने खाना बड़े टेस्टी बने थे यार कल भी तो इस तरह से मदर्स डे मैंने पता है क्या करा था सुबह बर्गर मंगा लिए मैंने एक बर्गर खा लिया और फ्रेंच फ्राई लिए थे मेरे बस की नहीं थे खाने बहुत ज्यादा पेट में मर चुका चलो भाई मिलते हैं कल बाय अम्मा को दे दियो मेरी साइड से अम्मा को ताई जी ने दिया हैप्पी मदर डे बोल खा लेना कि ठीक है तो ये मिला है हमें पिन्नी में